पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। टीएमसी बंगाल में राम का नाम नहीं लेने देती, टीएमसी रामनवमी नहीं मनाने देती, टीएमसी के राज में घुसपैठ बढ़ी है, टीएमसी के राज में बम बनाने का उद्योग चल रहा है। साथियों, आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। बंगाल में टीएमसी ये सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। आप मुझे बताइए साथियों, क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है, उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। यहां टीएमसी के एमएलए ने कहा है कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। सोचिए, इतनी हिम्मत, इतना साहस। टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती है। यहां जनता खुद नारे लगा रही है, एक एक नागरिक बोल रहा है, चीख चीख करके जनता बोल रही है, चोर धरो, जेल भरो, चोर धरो, चोर धरो, चोर धरो, यानी चोरों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल में डालो।